दुनिया में फैले कोरोना महामारी से हर कोई त्रस्त है, मना रहा है कि बस कैसे भी इस विपदा से दुनिया जीत जाए, ये खत्म हो जाए, बाकी सब ठीक करने के लिए मेहनत कर ली जाएगी। लेकिन इस वायरस के हम सब के बीच रहते सब कुछ थम सा गया है। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। अनलॉक 1.0 में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी धार्मिक स्थल खोल तो दिए गए हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ गायब है। इसी के चलते बिहार की राजधानी पटना से खबर आई है कि इस साल बिहार से हज यात्री हज यात्रा पर नहीं जाएंगे। राज्य हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन का कहना है कि इस साल बिहार से यात्री हज पर नहीं जाएंगे। हज यात्रा के लिए अब महज 15 दिन बचे हैं। अभी तक कोरोना की वजह से यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं हो सकी है। यात्रा के संबंध में सऊदी अरब से भी कोई आदेश अभी तक नहीं मिल पाया है। जानकारी के मुताबिक हज सऊदी अरब में होगा, लेकिन बिहार से इस बार हज यात्रा पर कोई नहीं जाएगा। इस साल बिहार में 4,859 यात्रियों ने हज पर जाने के लिए आवेदन किया था। हालांकि कोरोना के चलते उनसे कम रुपए लिए गए थे, लेकिन अब जब यात्रा स्थगित कर दी गई है तो सभी लोग आवेदन रद्द करने की अर्जी दे रहे हैं। आवेदन रद्द करने की मांग करने वालों को राज्य हज कमेटी पूरा पैसा वापस कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 5,500 के पार हो चुकी है, जिनमें से करीब 2,500 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वायरस की चपेट में आकर 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी बिहार में करीब 2,800 से ज्यादा केस एक्टिव है। तो हालात भारत में भी अब खराब हो चुके हैं। जब से देश अनलॉक हुआ है, तब से रोजाना के तौर पर 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो डराने वाले हैं। और अब तो इसी वजह से बिहार के हज यात्रियों का इस साल यात्रा पर जाना भी कैंसिल हो गया है।